हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, यूके ट्रिपल एससी ने कुछ परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें मेनली जो कमेंट आ रहे थे मेरे को, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम कब होगा, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे। कनिष्ठ सहायक की डेट भी इसमें इंक्लूड की गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सभी डेटें प्रस्तावित हैं, ठीक है, प्रस्तावित हैं, कोई भी डेट अभी फाइनली निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। दूसरी बात, अभी देखिए हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं उत्तराखंड के, इन सभी के द्वारा 26 मार्च को परेड ग्राउंड देहरादून में एक विशाल जन रैली का आयोजन किया जाना है। तो इसी को देखते हुए सरकार और आयोग ने सही टाइम पे एक हिसाब से हम लोगों को पोच करने के लिए इस तरह का ये कैलेंडर जारी किया है, मैं साफ बोलना चाहूँगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आप अपने कदम पीछे ना करें, मैं भी कोशिश करूँगा कि 26 मार्च को आप लोगों के बीच वहाँ पर आऊँ परेड ग्राउंड देहरादून में। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी जनपद के लोग हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स 26 मार्च 2018 को सुनिश्चित करें देहरादून पहुँचना और इस रैली को सफल होने में भागीदार बने फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए कुछ भी नया नहीं है इस कैलेंडर में, जितने भी पोस्ट हैं कनिष्ठ सहायक को छोड़ के सभी पोस्टों में इक्का दुक्का या 10-12 वैकेंसी थी, ज़्यादा कुछ नहीं है। खाली लोगों को मतलब एक हिसाब से रोकने के लिए, और जितने भी बेरोजगार हैं वो बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से विज्ञप्ति नहीं आ रही, परीक्षाओं की डेट नहीं आ रही, इन सभी चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए आयोग ने फैसला लिया, बिल्कुल झट से फैसला लिया, कोई इसका वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है, मैं आपको साफ साफ बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरी बात बोलना चाहूँगा, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से कनिष्ठ सहायक वाले में, तो यहाँ पे देखिए कनिष्ठ सहायक में जितनी भी पोस्टें हैं फ्रेंड्स, ये सभी प्रीवियस ईयर की हैं, 2016 और 17 स्टार्टिंग की। इसमें अक्टूबर नवंबर 2017 में जो पोस्ट आई थी कनिष्ठ सहायक की, वो पोस्टें इंक्लूड नहीं की गई हैं। तो ऐसा क्यों, फॉर्म तो आपने भराया था, 3 बार फॉर्म भरे थे कैंडिडेट ने कनिष्ठ सहायक के, तो एक कैंडिडेट ने आप मान के चलिए 300 रुपये का फॉर्म था जनरल कैंडिडेट का, 300 के हिसाब से 3 बार फॉर्म भरा उसने कनिष्ठ का, तो इस हिसाब से 900 रुपये दिए हैं, और फिर भी वैकेंसी आप सेपरेट कर रहे हो, यार कैसे होगा, कंपटीशन जीरो हो गया यहाँ पे, बिल्कुल कम पोस्ट होंगे, मुश्किल से भी 100 पोस्ट नहीं आ रही। इनमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, सरकार हमारे खिलाफ़ धोखाधड़ी कर रही है, आयोग हमारे खिलाफ़ धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इतने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बदले में हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है, इतना पेंडिंग समय, यार समझ में नहीं आता क्या चल रहा है फ्रेंड्स। तो सभी लोगों से बस फाइनली फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ जमा हो जाएँ 26 मार्च को देहरादून में, ठीक है। और फ्रेंड्स देख लीजिएगा जो भी ये नोटिफिकेशन आया है कैलेंडर का, आप यूके ट्रिपल एससी की साइट पे जाके एग्ज़ाम कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपनी सहभागिता दें और आने वाली रैली को सफल बनाएं, अपने फेसबुक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चीज़ को, और अपने व्हाट्सअप पे DP लगाएं इस चीज़ की, ठीक है, जिससे ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ेगा सभी छात्रों में, ये सभी छात्रों के छात्र हित के लिए है फ्रेंड्स, केवल एक आदमी के लिए नहीं है। तो सभी लोग आना सुनिश्चित करें और अच्छे से सपोर्ट करें, ठीक है, धन्यवाद।